नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एमसीए कटनी गदर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अभी कहीं व्यस्त होने के कारण इमरजेंसी कंडीशन में इस प्रकार से धीमी आवाज़ में वीडियो बना रहा हूं, तो इसको पूरा अंत तक ध्यान से सुनना है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इनको अंत तक सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे से अपडेट इसी। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा 18 अगस्त मतलब कल था। सर आप अपना अनुभव जो है अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ सर, क्यों नहीं, किसी का हेल्प हो तो अच्छी बात है ना सर। सर बताइएगा सर, किस प्रकार से क्या हुआ सर, कौन सी ट्रेड से थे, आपका शुभ नाम बताइए। पहले तो मैं उस बताने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों को। हाँ, वाटर करियर का आज वहाँ पे लास्ट डेट है, मतलब 19 तारीख को लास्ट डेट है वाटर करियर का। कहाँ? और जितने भी भाइयों छूटा हुआ है वो अगर आज तक आ सकते हैं तो उनका हो जाएगा, बाकी इसके बाद वाटर करियर का नहीं होगा। मतलब जितने भी लोगों का भी छूट गया वो आज पहुंच जाए तो हो जाएगा उनका। आज पहुंचेगा तो हो जाएगा उसका। आज तक लास्ट डेट है, उसके बाद क्या ना सर, वहाँ पे मालिक का बार-बार का ये सब का वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और बात रही सर डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट की क्या ना सर, अगर मेन वहाँ पे मोस्ट नेसेसरी है कि एक टेंथ का ये सर्टिफिकेट और एक कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रलाइज वाला। सर आप थोड़ा स्पष्ट और तेज बोलिए थोड़ा। सर वहाँ पे ना दो डॉक्यूमेंट जो है ना मोस्ट नेसेसरी है। हाँ सर। हाँ, टेंथ का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट नेशनलाइज वाला, मतलब सॉरी सेंट्रलाइज वाला। तो उसमें क्या ना कि ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 महीना का लोग टाइम ले रहे हैं। हाँ। 1 महीना के अंदर लाके आप दे सकते हैं। ऐसा कहाँ पे, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एड्रेस मिल जाएगा जीएसटी का, जो मेन ब्रांच है वहाँ का, नासिक में आ रहा है। और जिनका सर्टिफिकेट छूट गया वो 20 तारीख तक नासिक में जमा कर सकते हैं, 20 तारीख के बाद नहीं चलेगा। हाँ सर, जी आपका तो बिल्कुल कहना सही है सर, लेकिन अब आपको पता है 20 तारीख तो कल ही है। ये वहाँ का बेसिक जानकारी था सर। हाँ, अब आप अपना शुरुआत से बताइए सर, शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि सर मैं वहाँ 5:30 बजे वहाँ पहुँचा सेंटर पे। धीरे धीरे बताना। और वो लोग, हाँ मैं 5:30 बजे वहाँ पे सेंटर पे पहुँचा और फिर आधा घंटा बाद 6 बजे वहाँ से अंदर ले गए। हाँ सर, अंदर ले गए। उसके बाद अंदर ले जाने के बाद फिर करीब आधा घंटा बिठाए, फिर वहाँ पे वो मेजर आए और दो कॉन्स्टेबल थे वो आए। फिर वो वहाँ पे ऐसा नहीं है सर कि जो पहले जल्दी लाइन में लग जाएगा फिर सर जैसा उसका पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वहाँ क्या था ना कि वो आपको रोल नंबर वाइज नाम बुलाएगा और वही जितना सीरियल में आपका नाम रहेगा वही आपका रोल नंबर हो जाएगा, मतलब सीरियल नंबर हो जाएगा। तो जैसे 1-2 करके था तो मेरा 207 था। हाँ। तो मेरा 207 सीरियल नंबर था तो वही मेरा हो गया। अब उसी से सारा काम हो रहा था मेरा। हाँ। तो उसके बाद वहां से 20-20 करके ले गए बायोमेट्रिक के लिए। कितने करके सर? 20-20 करके ले गए थे बायोमेट्रिक करने के लिए। सर आपका कहाँ था, दिल्ली या नासिक? नासिक, नासिक। अब बताइए सर, ये नया अपडेट है क्योंकि सर पहले से 50-50 करके ले आ रहे थे, अब आपको 20-20 करके ले गए, यही तो सर, यही सब चीजें तो बदल जाती हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं लग पाता। बता रहे पहले 20 करके ले गए कहाँ, बायोमेट्रिक करने के लिए। तो बायोमेट्रिक करने के बाद हॉल में ले गए, वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ, फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा रूम में ले जाके, मतलब क्लास करके था उसमें जाके बिठा दिए। हाँ, उसमें बिठाने के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत बताए कि रोटी को कैसे बनाना है, पहले एक साइड देना है फिर थोड़ा खुल जाए फिर थोड़ा उसको उस साइड, मतलब जैसा भी प्रोसेस रोटी बनाने का बताए वो लोग। और एक नहीं दो दो कॉन्स्टेबल आए थे, दोनों बताए, ठीक है सर। उसके बाद वहाँ के बाद 50-50 करके ले गए उधर, मतलब एक हॉल जैसा था वहाँ पे, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, साइन ये सब था, वो प्रोसेस करने के लिए 50-50 का बैच बना दिया। उसके बाद उस, हाँ 50-50 का बैच बना, मेरा बैच नंबर 4 था, मेरे से पहले 3 और बैच, ठीक। और सर कल टोटल 7 बैच करे थे। टोटल कल 7 बैच चले थे, 7 बैच, उसमें मेरा 4th बैच था और 50-50 करके बैच था। हाँ सर। हाँ, उसके बाद वहाँ पे फिर 14-14 करके ग्रुप बना दिए। हाँ सर। और वहाँ पे हर एक काउंटर पे 2 चूल्हा था और एक चूल्हा, एक काउंटर पे 2 आदमी थे और हर काउंटर पे 2-2 चूल्हा था। हाँ,
तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि वो लोग अपना में डिसाइड करते हैं कि क्या बनवाए, लोग से क्या बनाए। तो जब हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे एक आटा का रोटी मतलब एक रोटी का आटा बचा हुआ था वहाँ। सर हाँ, तो वो बोले ठीक है, ये लोग से रोटी बनवा लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया। 5 मिनट दिया, और सर क्या होता है ना, काउंटर पे एक एक कॉन्स्टेबल रहते हैं, सारे काउंटर पे एक एक। सर जैसे कि आपको सर 5 मिनट दिए, सर 5 मिनट में मतलब जो कुछ भी आपसे करवाया तो वो पहले सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए होंगे ना सर? हाँ सर बोलिएगा। हाँ, तो वो लोग पहले बोल दिए कि रोटी बनाना है, और उसका बोले ठीक है, आप लोग का टाइम 5 मिनट दिया जाता है, और टाइम अब स्टार्ट हो गया। हाँ और सर, सर हर एक काउंटर पे एक एक कॉन्स्टेबल रहता है, ठीक है, हाँ सर, यानी कि दो दो कैंडिडेट पे एक कॉन्स्टेबल। वो हाँ सर, हम लोग को ना इधर से मतलब थोड़ा हेल्प करते हैं कि वो चीज उधर है, वो चीज उधर है, ये चीज गलत हो रहा है, इस साइड से को, उस साइड से को, ये सब बताते हैं। अच्छा मतलब वो अपन उससे को बहुत हेल्प, सपोर्ट हाँ उससे सपोर्ट बहुत करने। हेल्प हाँ मिलती है सर। सर, तो और तो फिर वो हम, और क्या नाम है, फिर मैं उधर गया, और उधर क्या था ना सर कि बस ये नहीं देखते कि रोटी बंदे का खुला या नहीं खुला, हाँ वो ये भी देखते हैं कि उसका एक्टिविटी कैसा है। अब जैसे पहले क्या चीज था, पहले गैस जला लिए, या कोई लड़का क्या किया, गैस जला लिया, अपना रोटी बेल रहा है, तवा चढ़ाया नहीं उसके, तो ये सब भी देखते हैं। तो यही सब चीजें देखते हैं कहने का मतलब। हाँ, ये सब चीज भी मोस्टली देखते हैं। तो ये कॉन्स्टेबल उसे हेल्प करता है कि रे गैस गैस जल रहा है, जल्दी से चढ़ाओ, ये तो गैस कम करो, ये सब बोलते हैं कॉन्स्टेबल। हाँ सर, हाँ, तो उसके बाद फिर एक मेरे बाजू में जो लड़का था, उसका सर रोटी ना जल गया, उसका फुलाने के चक्कर में वो ज्यादा फुला गया, तो उसका जल गया। तो कॉन्स्टेबल उसको कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है तुम बाहर जाओ। उधर क्या होता है ना सर, स्टेज पे वो DIG रैंक के अफसर रहते हैं, डबल स्टार ट्रिपल स्टार ये सब रहते हैं ऊपर बैठे हुए। तो रोटी बना के ना उनके पास लेके जाने को रहता है, तो उस प्लेट में लेके, और प्लेट भी एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम ऊपर नीचे सारे वो भी चेक करते हैं, प्लेट साफ है। हाँ, तो अगर मान लो जो लड़का ऊपर चला गया, समझो उसका फिर 70% उसका हो गया, और जो लड़का को कॉन्स्टेबल बोल दिया ठीक है जाओ बाहर अपना रिजल्ट सुन लेना, तो वो समझो नहीं हुआ, ऐसा तो मेरे, हाँ ऐसा है सर, मेरे को कॉन्स्टेबल बोले कि ठीक है ऊपर जाओ। तो हम गए ऊपर, तो मेरा रोटी पूरा खुला था, लेकिन मेरा थोड़ा साइड साइड थोड़ा और होता कुछ तक। तो फिर वो ऊपर में जो थे, ऊपर में मतलब साहब थे, तो वो ऊपर का रोटी का ऊपर का जो होता है ना पपड़ी, वो खा लिए ऐसे। सर रुक जाना सर, ऐसा थोड़ा सा वो मिस हो गया था सर, थोड़ा दोबारा बताना सर, आपको ऊपर बुला लिया उसके बाद सर? हाँ, ऊपर बुला लिए। ऊपर बुलाने के बाद वहाँ पे क्या होता है ना, हमको पूछे कि रोटी और क्या सब जानते बनाना, हम बोले सर सब कुछ जानते बनाना, बोलिए। तो वो हंसने लगा एकदम, तो हम बोले सर सही में सब कुछ जानते बनाना, जो भी चाहे बोल सकते हैं। तो बोले ठीक है, तो फिर बोले वो रोटी के ऊपर से ना जो खुलता है ना, ऊपर वाला भाग जो होता है ना, वो ऐसे नोच के खा लिए। हाँ, वो खा लिए, और फिर मेरा सीरियल नंबर पूछे। तो मतलब जिस लड़के से सीरियल नंबर पूछ लिया, तो समझो 99% हो ही जाता है। हाँ सर, हाँ, मैंने जिस जिसका देखा सीरियल नंबर पूछा और ऊपर गया, उसका हो जाता है। और जिसका वही काउंटर से बोल देता कॉन्स्टेबल ठीक है बाहर जाओ, तो समझिए जो वो नहीं होता है, समझे? जी, कॉन्स्टेबल नहीं कह दिया बाहर जाओ तो नहीं होना है। हाँ, कॉन्स्टेबल अगर बोल दिया ठीक है बाहर जाओ, तो उसका चांस ही नहीं है होने का, बहुत रेयर केस होगा जो उसको बुलाएगा, समझे? क्या कि जो नोट करते हैं, नंबर बिठाते हैं, उसको तो मालूम है इसका सीरियल नंबर कितना है। हाँ सर, तो वो तो पूछेंगे तभी तो मालूम चलेगा ना, उनका रिजल्ट बनाएगा ना, वो तो उनको मालूम ही नहीं रहेगा। तो सर इसके लिए अंदर के कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए सर, किस प्रकार के थे, मतलब किस प्रकार का गैस भट्टी वगैरह, कुछ बच्चे क्या डर रहे हैं, मतलब गैस भट्टी ऐसा था वैसा था, मतलब आप बताइए थोड़ा किस प्रकार का था, अपडेटेड कुछ बदला तो नहीं है वहाँ पर, लाइटर वगैरह कैसे थे? हेलो हाँ सर, क्या बोले सर, गैस भट्टी वगैरह कैसा था, और मतलब चूल्हे के बारे में हाँ थोड़ा? सर, भट्टी का था ना, लेकिन नॉर्मल था, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कोई दूसरा वीडियो को बुराई नहीं कर रहा, मतलब वो भी सही बताते, लेकिन क्या ऐसा क्या ना कि बोलते हैं ना भट्टी है, तो कैंडिडेट जो है ना डर जाता है, अरे बाप रे भट्टा होगा कैसे होगा, भट्टा नहीं, वो मीडियम साइज रहता है, उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वो मीडियम साइज रहता है, उसको मतलब ये नहीं कि उसका बोलते थोड़ा खुल, तो बहुत खुल जाता है, बहुत नहीं खुलता, थोड़ा घर से ज्यादा खुल जाता है, समझे? वो कंट्रोल हो जाता है अपन लोग, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात है, बनाने वाला आराम से बनाता है। बंदे गलती कहाँ पे कर रहे हैं जानते सर, अगर रोटी फूलती नहीं ना है, तो उसको फुलाने के चक्कर में जला देते हैं।
और इंस्ट्रूमेंट कैसे थे, जैसे आपने उसका बता दिया भट्टे का, और मतलब तवा वगैरह, चिमटा और जाली? हाँ चिमटा, हाँ सर वहाँ पे ना चिमटा, मतलब चिमटा था एक पकड़ने वाला, तवा में क्या था ना हैंडल नहीं था, गोल था, हैंडल नहीं था, तो उसके लिए चिमटा का उपयोग करना था, चिमटा था। फिर रोटी को अगर हाथ से नहीं उल्टा सकते तो उसके लिए वो छोटा सा चम्मच करके था वो था, उसके लाइटर था एक बड़ा था, मतलब वहाँ पे जैसे आपको काउंटर पे बुलाएगा ना, तो काउंटर पे जाने के बाद आपको 20 सेकंड का टाइम देता है, टाइम मतलब टाइम देता नहीं, वो अपना इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि आप लोग यहाँ आए हो, ये करवाना है, वो करवाना है, उसमें आपको सारा चीज़ देख लेना है कि सर मेरा क्या चीज़ कहाँ है। अब ये नहीं कि टाइम स्टार्ट हो गया, देखो कि मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसा क्या होगा ना, सामने वाला चीज़ भी नहीं दिखना है। हाँ सर ऐसा भी है, ये आपको कहना, हाँ तो वो पहले ही आपको देख लेना है कि मेरा सब्जी कहाँ है, रोटी कहाँ है, आटा कहाँ है, सब पूरा देख लेना रहता है। वो आपको पहले ही बता देते होंगे जैसे आपको आटा गूंदना है, क्या गूंदना है ना? हाँ हाँ पहले बता देंगे, उसका टाइम बोलते ही टाइम स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो उससे क्या लेके आया अपन अपने इंस्ट्रूमेंट देखने लगे? हाँ वो अपना देख लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ से क्या होना, तो सबको भेजे वहाँ पे, मतलब जाओ वहाँ पे हॉल में बैठो और वहाँ पे आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। तो वहाँ पे करीब एक घंटा के बाद आए सारे कॉन्स्टेबल और फिर जो डबल एस आई थे सब आए, और भी सीनियर रैंक के जो भी अफसर थे सब आए, फिर उसके बाद एक फाइल में वो सबका नाम उठा तो वो लेके आए, फिर उसके बाद नाम जिसका रोल नंबर था वो सब बोले। तो मेरे बैच से ना, मतलब मेरे कल 18 तारीख को ना कुछ 54 बंदे सेलेक्ट किए। कितने? 14 बंदे सेलेक्ट किए? नहीं नहीं 54। 54? हाँ 54, 500 में, 500 में से 54 बंदे सेलेक्ट किए, चलो बहुत अच्छा है, बोलिए। हाँ हाँ फिर उसके बाद हम लोग को ले गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो हम लोग को वो फाइल दिया और फाइल के ऊपर में बोला कि अपना लिखो डेट, टाइम लिखो, डेट लिखो आज का, और अपना अपना सीरियल नंबर लिखो, सॉरी रोल नंबर लिखो जो एडमिट कार्ड पे था। हाँ। तो वो सब लिख के उसके बाद वो रोल नंबर कहाँ से पता चलता है सर? अपन को रोल नंबर ले आना पड़ता है क्या? सॉरी सर, वो रोल नंबर कहाँ से पता चलता है? आप बोले थे ना रोल नंबर लिखो, रोल नंबर का याद कर रखना पड़ेगा या अपन को एडमिट कार्ड जो लेके जाएंगे उस पे लिखा रहता है ना सर? तो एडमिट कार्ड तो वो लोग छीन लेते हैं। नहीं 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 छीनते नहीं है, दे देते हैं, रहता है अपने पास ही। हाँ रहता ना, अभी भी मैं लेके आया। ऐसा सर? हाँ सर रहता है। तो ठीक ही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करते हैं ना उसको आधार से फाड़ के जिधर आरटीआई सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड सिग्नेचर, राइट हैंड सिग्नेचर, मतलब अंगूठा, तो वो सब वाला फाड़ के रख लेते हैं, वो भी बाद में रिटर्न कर देते हैं। वो भी बाद में रिटर्न कर देते हैं? हाँ वो भी लास्ट में जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगता है ना उसमें रिटर्न करते हैं, और जिसका पहले ही जिस वाले था गया था उसका रिटर्न नहीं करते हैं, उसका बस एडमिट कार्ड ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना वो रहता है। हाँ सर। हाँ तो उसके बाद हम लोग तो बोले कि ये डॉक्यूमेंट है नेसेसरी, तो निकालो अपना, तो हम लोग निकाले दो फोटो निकाले साइन किए, लेकिन उसमें ना सर बहुत लड़के करते थे ना कि वो लोग का सेंट्रलाइज नहीं था, वो भी किया है सीएससी वाला। हाँ इसके लिए कट रहे थे वहाँ पे बंदे, तो लोग को टाइम दिया एक महीना का, बोला एक महीना के अंदर मैं आपको ला के जमा करूँ, मतलब 20 सितंबर तक का। सॉरी सर, कब तक का समय दिया? 20 सितंबर। हाँ अगस्त है ना, हाँ 20 सितंबर तक दिया था सर्टिफिकेट को, और जिसका 10th का सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, हाँ मतलब नहीं लाया है उसको, बस दिया है 20 तारीख का टाइम, यानी कल ओवर टाइम दिया है। हाँ सर। हाँ और सर वहाँ के बारे में कुछ ऐसा अलग सी बात बताइए जिससे क्या है बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। नहीं सर वहाँ पे कॉन्स्टेबल वो है, वो स्टार्टिंग में सुबह सुबह थोड़ा गरमाए रहते हैं, मतलब अपना पूरा रोल में रहते हैं, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे मिल जाते हैं अपन में, और हर एक चीज़ मतलब एकदम दोस्ती जैसे शेयर करते हैं, बताते हैं पूरा, हम लोग को तो बताए थे कितना सैलरी मिलेगा, तो क्या प्रमोशन है, उसका सारा डिटेल बताए थे। हाँ सर मतलब सब कुछ वो अपन को मोटिवेट करने का ही काम करते हैं टोटल। हाँ वो कॉन्स्टेबल लोग उधर बहुत अच्छे हैं नासिक, मतलब मैं तो नासिक ही गया, तो नासिक का उधर कॉन्स्टेबल लोग अच्छे हैं, वो लोग मतलब ऐसा फील नहीं होने देते कि कहीं दूसरा बहाली में है, एकदम दोस्त की तरह बातचीत करते हैं सर, वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं मतलब। हाँ वो जो रहते हैं ना बगल में वो भी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ बताते हैं कि जल्दी तुम्हारी रोटी पलटो या फिर ये वो बताते हैं। सर आप जो अपने भाइयों से कुछ कहना चाहोगे इसको? सर आपको पता है हजारों लोग सुनने वाले हैं सर, और तो मैंने सारा डिटेल बता ही दिया, और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, और मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाहो आप? क्या कुछ बोलना चाहो अपने भाइयों से? तो
नहीं मैं भाई बस यही बोलना चाहूंगा कि वहाँ सीरियस नहीं ले रहा है किसी बात को कि रोटी कैसे बनेगी कहाँ पर, लेकिन रोटी में क्या था ना वहाँ पे तो बहुत सीधा था आटा, तो जो पहले से पैसा था जो मतलब आटा गूंथ गया था ना वो बहुत सीधा गूंथ गया था, तो उसको ना अपन बात बात में ही ऊपर ज्यादा पूरा अच्छे से पाँच आटा पाँच रोटी का आटा रहेगा तो पूरा को नहीं एकदम बोला करना है, बस आपको एक ही बनाना ना, तो एक इसमें से निकाल लो गुल्ली और उस एक को ही पूरा मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये डरना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी होता रहे मैं तो यही बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ फ्री मार्केटिंग है और हो जाएगा, और हाँ गैस को ना पूरा तेज नहीं करना, उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, और जब आपको लगे कि रोटी थोड़ा थोड़ा फूलने लगी है तो गैस को वो जूस को हवा को सीखते हटा लो और फिर जाली रहता है वहाँ पे जाली जाली पे रोटी को रख दो और उसको फुला दो। हाँ सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद जो है सर आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया सर। सर मैं आरपीएफ सर आपके चैनल से भी सर बहुत हेल्प मिली थी हमको, मैं आपका डेली वाला वीडियो देखता था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी भी सर लगातार सर देखते रहिएगा सर, आपका सिलेक्शन हो गया है सर, जुड़े रहिएगा जब तक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जब तक कि मेडिकल और वगैरह सब कुछ नहीं हो जाता जब तक मैं अपडेट करता ही रहूँगा। हाँ सर थैंक यू सर, बहुत हेल्प मिलती है, मैं आपका डेली का जितना भी एक्सपीरियंस वीडियो सारा सुनता हूँ और उससे भी बहुत हेल्प मिल रहा है हमको। थैंक सर थैंक, क्योंकि कुछ बंदे क्या है सर हेल्प ले लेते हैं लेकिन चैनल के बारे में कुछ कहते नहीं है। अभी तो हो गया आपका मेरिट बनेगा उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाएगा, नंबर भी अच्छा खासा है मेरा। हाँ 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 चलो सर बहुत बहुत थैंक यू, ओके सर थैंक यू।